Hi friends, welcome back to Civil Aspirants. As the last video was, it was on the type of cement. The first one was ordinary Portland cement, in which we have discussed about the fineness, soundness, setting time and strength of that cement by using the ordinary sand and standard sand after 3 days and 7 days respectively. The second thing is that we have rapid hardening cement. We too have checked the fineness, soundness, setting time and strength of that cement too. Now in this video we're gonna talk about the low heat cement, sulfate resisting cement, pozzolana cement, blast furnace slag cement. Okay, so मैं ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के लो हीट सीमेंट की फाइननेस, साउंडनेस, सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले लो हीट सीमेंट. लो हीट सीमेंट एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, लो हीट सीमेंट, ये ऑल जितनी भी टाइपें मैंने बताई हैं इसको किस किस जगह पर यूज़ किया जाता है इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा. इस वीडियो में उनकी सिर्फ मैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइननेस साउंडनेस के बारे में प्रॉपर्टी वही बता रहा हूँ. ठीक है, सो स्टे इन टच, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू. सो फाइननेस जो लो हीट सीमेंट है उसकी होती है वही ISCM नंबर 9 पे 5%. ठीक है, साउंडनेस अनएरेटेड की 10 mm, एरेटेड की 5 mm. ठीक है, एंड सेटिंग टाइम ऑफ लो हीट सीमेंट इज 60 मिनट से लेकर 10 hr तक. इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट्स. अब जो हमने पीछे पढ़ा था ऑर्डरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उनका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना था, 30 मिनट्स था, लेकिन इसका 60 मिनट्स है. ठीक है, और इनकी स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज अगर हम ऑर्डिनरी सैंड यूज़ करें तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और अगर हम इसको 7 दिन के बाद मेयर करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर. अगर हम स्टैंडर्ड सैंड यूज़ करते हैं तो 3 दिन के बाद 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और लो हीट सीमेंट 7 दिन के बाद विद स्टैंडर्ड सैंड 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर. एक ऑब्जेक्टिव आया था पिछले दिनों में किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ लिखा था कि ऑर्डिनरी सैंड जब हम यूज़ करते हैं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वहाँ पे 160 भी ऑप्शन था, 175 भी ऑप्शन था, लेकिन वहाँ लिखा था ऑर्डिनरी सैंड कितनी यूज़ होती है. ठीक है, तो वहाँ पे सॉरी 115 भी ऑप्शन था, तो हमें क्या करना था, हमें ऑर्डिनरी सैंड के लिए 115 मार्क करना था, ठीक करना था. ठीक है, जो स्टैंडर्ड सैंड है उसके लिए 160 kg है. ठीक है, ऑर्डिनरी सैंड के लिए 115 kg है. ठीक है, ये याद रखना. तो हमारे पास अब लो हीट सीमेंट का तो मैंने आपको बता दिया, अगर ऑर्डिनरी सैंड यूज़ कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, 7 दिन के बाद 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और स्टैंडर्ड सैंड के लिए है हमारे पास 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर और 7 दिन के बाद 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर. ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की साउंडनेस जो होती है मैक्सिमम 5 mm होनी चाहिए. ठीक है, और सेटिंग टाइम 20 मिनट होना चाहिए. ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग एक्चुअली फाउंडेशन वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो सेटिंग टाइम जो 20 मिनट से लेकर 10 hr होना चाहिए. ठीक है, इसकी फाइननेस सेम है जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की होती है. ठीक है, पोजोलाना सीमेंट जिसको जो ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है, इसकी फाइननेस कितनी होनी चाहिए, 5%. ठीक है, जैसे वही है ISCM नंबर 9 वगैरह, सेटिंग टाइम 30 मिनट से 10 hr जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की. इसकी स्ट्रेंथ जो होती है आफ्टर 7 डेज 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है, 3 डेज की तो लिखी नहीं, लेकिन 3 डेज की 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर होती है. ये सेम एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं वो एज सेम एज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की हैं. ठीक है, फाइननेस 5%, साउंडनेस अनएरेटेड के लिए 10 mm, एरेटेड के लिए 5 mm, सेटिंग टाइम 30 मिनट से 10 hr, स्ट्रेंथ है जो वो होनी चाहिए हमारे पास 115 से 175. ठीक है, 3 दिन और 7 दिन के लिए, और स्टैंडर्ड सैंड अगर लिए तो हमें कितनी होनी चाहिए वो 160 to 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइननेस क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स के टेस्ट कितने होते हैं, उनके टेस्ट के जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं. सो फॉर दैट डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, आपको नोट्स चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट नोट्स. सो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. टिल देन स्टे फिट, थैंक यू, बाय बाय.